डॉक्टर के एनपीए के मामले को लेकर प्रदेश सचिवालय में डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में डॉक्टर्स की मांगे मान ली गई हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। हालांकि सरकार ने एनपीए पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर विचार करने की बात कही है और प्रशिक्षु चिकित्सकों ने भी इसमें सहमति जताई है। मुख्यमंत्री सुखवंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एनपीए सरकार ने बंद नहीं किया है, यह नोटिफिकेशन नई भर्ती होने वाले डॉक्टर को लेकर है। जब नई भर्ती होगी उस समय इस पर विचार किया जाएगा। बैठक में सरकार ने डॉक्टर की मांगे सुनी है, उनमें से कुछ को पूरा करने पर सहमति जताई है। वहीं मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुना है और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक आज वापस ले ली गई है। हमारी उनसे एक नाराजगी थी, वो नाराजगी ये थी कि बिना बात बिना संवाद किए हमारे जो SCA स्टूडेंट्स हैं हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है, तो उनकी मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की, तो कंफ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है, तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए डॉक्टर है उनका कोई एनपीए बंद नहीं हुआ है। फिर हमने पूछा कि आपने स्ट्राइक क्यों की, तो स्ट्राइक करने वाले जो डॉक्टर थे उन सबको एनपीए मिल रहा था, तो उनकी कुछ मांगे थी, उन सब मांगों के बारे में हमने विचार विमर्श किया, जिसमें जो प्रिंसिपल्स को पावर्स की बात है उस संदर्भ में हमने नीतिगत फैसला किया है कि उसको कॉलेज के डेर रूटीन्स के काम चलाने के लिए फैसला किया कि उनको उस पावर को डेलीगेट किया जाएगा। दूसरा कुछ कैडर का इश्यूज है, उस कैडर के इशू में प्रमोशंस के इश्यूज एफिलेटेड है, उसको भी सरकार ने कहा है कि हम इसको जो भी उसमें गलतियां हैं उसमें सुधार करके उसमें आगे बढ़ा जाएगा, DPC की जाएगी। और तीसरा इशू मेडिकल हेल्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन में बात सही भी है कि जो हमने हेल्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन बनाया उसमें जो हमारे डॉक्टर हैं उनको एक्सपर्ट उनको किस चीज की जरूरत है उनको उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। और चौथा जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है जो बच्चे SCA के प्रेजिडेंट उन्होंने हमसे मांग की कि हमको NPA मिलना चाहिए, तो हमने बोला आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि NPA मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको दोनों मिलना चाहिए, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स है हमारे बच्चे है, तो हमने उस दृष्टिकोण से विचार किया। जब रोजगार के अवसर इनके लिए अभी हमने इनको बताया कि NPA को विड्रॉ किया गया और जिस प्रकार की आर्थिक परिस्थिति है वो भी मैंने SCA के प्रेजिडेंट्स के पास रखी है, और हमने ये कहा है जिस समय रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस समय ये लोग मुझे मिलेंगे और NPA के संदर्भ में उस समय इनसे बात की जाएगी, और निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इसमें आगे विचार विमर्श जरूर करेंगे। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।